हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए एक और मजेदार मूवी लेके आया हूँ जिसमें कुछ नंस एक लड़के के साथ बहुत मस्ती करती हैं। तो इसी तरह की मजेदार मूवीज को देखते रहने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मजेदार मूवी अपलोडेड है तो उन्हें भी एक बार जाकर जरूर देखें। तो बिना और आपका टाइम बर्बाद किए हुए मूवी को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। मूवी की शुरुआत हमें एक आदमी को दिखाने से होती है जो कि चर्च में पेंटिंग कर रहा होता है, लेकिन वो आदमी बताता है उसे पेंटिंग के पैसे बहुत टाइम नहीं मिले हुए होते हैं। तो वो चर्च के पादरी के पास जाता है पैसे लेने के लिए, लेकिन वो देखता है चर्च का पादरी किसी बीमारी की वजह से मर चुका है। इसके बाद वो अपने पैसे निकालने के लिए चर्च का पादरी बन जाता है क्योंकि चर्च के पादरी के पास बहुत पैसे होते हैं। अब हमें लोरेंजो नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि गर्वीनो नाम के आदमी से भाग रहा होता है। इसके बाद लोरेंजो के दोस्त उसे एक घोड़ा देते हैं। इसके बाद लोरेंजो सिटी छोड़ के वहां से भाग जाता है। अब हम पेम्पिनिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके माता पिता हाल ही में मर चुके होते हैं। अब वहाँ पर गर्वीनो आके कहता है तुम अब क्या करोगी। इसके बाद पेम्पिनिया कहती है कि रसिया का राजा बहुत जल्दी यहाँ आने वाला है और मैं उसके साथ शादी करूंगी। तो गर्वीनो से बताता है माता ने मुझसे बहुत कर्ज लिया था और अगर तुम अब अपना घर बचाना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब हम लोरेंजो को देखते हैं जो कि गर्वीनो के आदमी से भाग रहा होता है। फिर वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है, लेकिन तभी उस पेड़ की टहनी टूट जाती है और लोरेंजो गिर के बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर आती हैं और उसे अपने चर्च में ले जाती हैं। इसके बाद वो नन लोरेंजो को छूने लगती हैं, पर लोरेंजो भी अब बेहोश होने का नाटक करके मंजे लेने लगता है। इसके बाद वहाँ पर नन की हेड आती है और वो कहती है ये आदमी गूंगा बहरा है शायद, इसलिए वो उसे गार्डनर के काम पे रख लेती हैं। आगे जब लोरेंजो नहा रहा होता है तो वहाँ पर दो नन आती हैं और लोरेंजो को वहाँ पर ज्वाइन कर लेती हैं। इसके बाद हम समझ पाते हैं कि इन लोगों ने गूंगे बहरे को गार्डनर क्यों रखा है, ताकि ये लोग उसके साथ मंजे कर सकें और वो किसी को बता भी ना सके। अब पेम्पिनिया गर्वीनो से बचने के लिए कुछ समय के लिए चर्च में आके रहने लगती है। इसके बाद पेम्पिनिया लोरेंजो को देखती है और वो नन से पूछती है एक कौन है। तो नन बताती है ये हमारे यहाँ माली है और ये गूंगा बहरा है। फिर नन जब लोरेंजो को झाड़ियों में ले जा रही होती है तो पेम्पिनिया ये सब देख लेती है और समझ जाती है यहाँ क्या हो रहा है और वो बहुत ही जलने लगती है। इसके बाद हमें वही राजा दिखाया जाता है जो पेम्पिनिया से शादी करने के लिए आया होता है। तो गर्वीनो कहता है पेम्पिनिया के साथ शादी करने वाली है, तो वो राजा उसकी बात नहीं मानता और पेम्पिनिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम लोरेंजो के रूम में देखते हैं जहाँ पर दो नन आई होती हैं लोरेंजो के साथ मंजे करने के लिए। इसके बाद लोरेंजो भी इसके लिए मान जाता है और वो भी उनके साथ मंजे करने लगता है। इसके बाद एक दिन पेम्पिनिया लोरेंजो को गाना गाते सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये गूंगा बहरा नहीं है। इसके बाद वो एक दिन अपने चेहरे को ढक कर लोरेंजो के लिए खाना लेके जाती है और उसके बाद वो उसकी आंखों पर दीवान देती है और उसे वहाँ पर किस करके वहाँ से चली जाती है। ये लोरेंजो को बहुत ही अच्छा लगता है। पेम्पिनिया का जाते हुए नन उनकी हेड ये सब बता देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है। दरअसल वो लोरेंजो का और फायदा उठाते हुए नंस को नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने ये सब उसको बता दिया होता है। इसके बाद नंस की हेड लोरेंजो को वहां से निकाल देती है। इसके बाद जब वो बाहर बैठा होता है तो पेम्पिनिया से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं? तो पेम्पिनिया इसके लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद लोरेंजो पेम्पिनिया के साथ चला जाता है। इसके बाद हम रसिया के राजा को देखते हैं जो जंगल में जा रहा होता है। फिर वो नहाती हुई एक लड़की को देखता है तो वो कहता है मैं पेम्पिनिया नाम की एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। इसके बाद वो लड़की झूठ बोलती है कि मैं ही पेम्पिनिया हूँ। उस राजा पहले पेम्पिनिया को नहीं देखा होता है, इसलिए वो उसकी बातों को मान लेता है और उस राजा को भी वो लड़की बहुत अच्छी लग रही थी। इसके बाद पेम्पिनिया लोरेंजो को अपने घर पे ले आती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर गर्वीनो आ जाता है और वो लोरेंजो को वहाँ से पकड़ के मारने लगता है। इसके बाद गर्वीनो लोरेंजो को बहुत मारने लगता है। फिर पेम्पिनिया उससे कहती है अगर तुमने लोरेंजो को छोड़ दिया तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो गर्वीनो उसकी ये बात मान लेता है और लोरेंजो को कलकुटरी में बंद कर देता है। इसके बाद गर्वीनो के लोग लोरेंजो को जंगल में मारने के लिए ले जाते हैं, लेकिन लोरेंजो उन्हीं को मारकर वहीं पर ढेर कर देता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर रसिया का राजा भी आ जाता है। अब ये दोनों मिलकर पेम्पिनिया को बचाने के लिए महल की तरफ जाने लगते हैं। अब ये दोनों मिलकर गर्वीनो के सारे आदमियों को वहीं पर ढेर कर देते हैं। इसके बाद रसिया का राजा गर्वीनो से लड़ता है और उसकी तलवार को उसके हाथों से नीचे गिरा देता है। इसके बाद गर्वीनो लोरेंजो के साथ कुएं पे खड़ा होकर वहीं पर लड़ने लगता है। फिर गर्वीनो वहीं पर कुएं में गिर जाता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर पेम्पिनिया उस राजा से कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं लोरेंजो से प्यार करती हूँ। फिर वो अपना मास्क जैसे ही हटाती है तो वो राजा कहता है कि तुम मेरी पेम्पिनिया नहीं हो जिससे मैं जंगल में मिला था। इसके बाद वो जंगल वाली लड़की पीछे से आती है।
दरअसल पेम्पिनिया की सहेली होती है। इसके बाद वो राजा उसको गले से लगा लेता है। इसके बाद पेम्पिनिया जाके लोरेंजो को किस करती है, जिससे अब लोरेंजो को पता चल जाता है ये वही लड़की है जिसने उसे आंखों पे पट्टी बांध कर किस की थी। इसके बाद ये दोनों आपस में मिलके साथ रहने लगते हैं। इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।